एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आर्ट बाय युवराज सिंह यदुवंशी। आज मैं गणेश जी बनाने के लिए मिट्टी प्रिपेयर करने वाला हूँ। ये है वो मिट्टी जो मैं लेकर आया हूँ और इसे अब हमें चिकनी मिट्टी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इसे छान लेना है और छानने के बाद में ये बिल्कुल फाइन हो जाएगी। यहाँ मैंने मिट्टी को अच्छी तरीके से छान लिया है। इस मिट्टी को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, आप मिट्टी को किसी भी कंटेनर में डाल लें, उसके बाद में उस कंटेनर को अच्छी तरीके से फिल कर लें। 2 से 3 घंटे में जो मिट्टी है वो नीचे दब जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप उसे छान लें, उसके बाद में कपड़े में बांध कर उसे रात भर छनने दें। सारा पानी निकलने के बाद में वो मिट्टी प्रिपेयर हो जाएगी। बट मैं यहाँ पर मिट्टी को अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखना है। अगर आप गणेश जी की मूर्ति नेक्स्ट डे बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा डो गीला रखें, और अगर आप इमीडिएटली बनाने वाले हैं तो उसको थोड़ा सा थिक रखें। मैंने यहाँ पे डो को मीडियम रखा है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा थिक। डो को अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैश कीजिएगा, उसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ मेरा डो अच्छी तरीके से बन चुका है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, इसी के ऊपर हमारे गणेश जी जो हैं वो बैठते हैं। इसके बाद में आप एक थिक कपड़े को लेके इस मिट्टी को अच्छी तरीके से उसमें रख सकते हैं और कपड़े को थोड़ा सा गीला कर दें उसके बाद में, अगर आप उसे नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे हैं तो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैं इसी मिट्टी का यूज़ करके गणेश जी भी बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Also press the bell icon so that you will get notifications of my upcoming videos.